तो आज हम बात करेंगे मेजर डिफरेंस दो मेन टाइप ऑफ फूड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स में। पहला वाला है होम किचन, आपके घर से जो आप फूड का बिजनेस चालू कर सकते हो वो, और उसका उसकी हम तुलना करेंगे रेस्टोरेंट्स के साथ में, एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स, ये वो क्लाउड किचन हो सकता है, वो नॉर्मल रेस्टोरेंट है, लाउंज है। सो दोनों टाइप ऑफ फूड बिजनेसेस में क्या मेजर अंतर है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा नाम गोपाल कामत है और मैं फाउंडर हूँ गेट योर रेस्टोरेंट का, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं आपका खुद का फूड बिजनेस कैसे चालू करें। सो मेरा पर्सनल फेवरेट ये होम किचन है, ऑल्दो मेरे खुद के रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे खुद के रिसोर्ट्स हैं, बट जब मैं मासेस की बात करता हूँ, जब मैं सब लोगों ने स्टार्ट करने की बात करता हूँ, अगर सब लोगों को ओपन करना है, सो मेरा फेवरेट है होम किचन, और उसके कई कारण हैं और मैं आज आप सबको वो कारण बताने वाला हूँ। सबसे पहले होम किचन जो है वो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप उसको रेस्टोरेंट से कंपेयर करें तो होम किचन इज वेरी वेरी लो कैपिटल, मतलब आपको लाखों रुपए नहीं लगते एक होम किचन चालू करने का, हार्डली 5-10 हजार 20 हजार में आपका होम किचन स्टार्ट हो सकता है। और वो होम किचन में से, मतलब आप जो होम किचन, मतलब जो घर से जो आप किचन का बिजनेस चालू कर सकते हैं, उससे आप कई गुना टर्नओवर कर सकते हैं, कई गुना सेल्स कर सकते हैं, तो वो पहला एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज है कि आप होम किचन 15 से 30 दिनों के अंदर चालू कर सकते हैं, और उससे कंपैरेटिवली अगर आप रेस्टोरेंट चालू करना चाहें तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने लगता है। आपको जगह चूज करनी पड़ती है, डिपॉजिट देना पड़ता है, एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, लाइसेंसेस का तो मैं कवर करने वाला हूँ, फिर सिविल वर्क अगर उधर कुछ करना है तो वो करना पड़ता है, किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टैंक लगाना पड़ता है पानी का, इंटीरियर्स करना पड़ता है, डेकोरेशन करना पड़ता है, कैश काउंटर बिठाना पड़ता है, बोर्ड बनाना पड़ता है, वो सब झमेला जो है वो होम किचन में नहीं है। होम किचन आप लिटरली 5 से 25 दिन 30 दिन में आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम किचन में बेसिकली आपको आपका खुद का एक बिजनेस का नाम क्रिएट करना होता है, आपका यूएसपी जो आपका यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है वो आपको डिवाइस करना होता है, और फिर आप इमीडिएटली मार्केटिंग करके जब भी ऑर्डर आए तभी आप खाना बना के आप लोगों को दे सकते हैं। ये सेकेंड एडवांटेज हो गया। थर्ड इज लाइसेंसिंग, होम किचन के लिए बहुत ही कम लाइसेंसेस लगते हैं कंपेयर टू रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लाइसेंसेस लगते हैं, फायर एनओसी, आपको गुमास्ता लाइसेंस हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, और आपको एफएसएसएआई लाइसेंस हो गया, ये जाके जहां तक के होम किचन में मोस्टली एफएसएसएआई लाइसेंस से काम चल जाता है। हाँ, अगर आप होम किचन को कमर्शियल एंगल से, मतलब बड़ा करना चाहते हैं, तभी आपको बाकी सब लाइसेंसेस की जरूरत पड़ सकती है। चौथा जो डिसएडवांटेज है, तो आप सोच रहे होंगे कि होम किचन सभी तरह से रेस्टोरेंट से बेटर है, तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। कुछ डिसएडवांटेजेस या कुछ खामियां होम किचन में भी हैं। फर्स्ट इज वो लेस स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब आप होम किचन से ज्यादा 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए का सेल कर सकते हैं पर मंथ, आप 10 लाख 15 लाख का सेल नहीं कर सकते कंपेयर टू अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में आप, सिंस रेस्टोरेंट बड़ा होता है और रेस्टोरेंट में किचन बड़ा होता है, तो खाना बनाने के जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, उसके लिए आप स्केलेबल, इट इज स्केलेबल, यू कैन स्केलेबल मतलब आप स्केल कर सकते हैं उसको, आप बढ़ा सकते हैं आपका सेल, आपका रेवेन्यू, जो मंथली रेवेन्यू है वो आप बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर एडवांटेजेस की बात करें तो होम किचन में स्टाफ बहुत कम लगता है, लेस स्टाफ कंपेयर टू अ रेस्टोरेंट, और जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो कंपेरेटिवली लो होते हैं फॉर अ होम किचन कंपेयर टू अ रेस्टोरेंट, क्योंकि होम किचन में आपको रेंट पे नहीं करना है, आप आपके घर से खाना बना रहे हो, और सेकेंडली आपको कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी नहीं पड़ती, आपको कमर्शियल गैस नहीं पड़ता। सो ये सब एडवांटेजेस है होम किचन के कंपेयर टू अ रेस्टोरेंट। अगर आपको रियली सीखना है होम किचन आपका कैसे बनाए, तो मैं अगले 21 दिनों में, अगले महीने के 1 तारीख से 21 तारीख तक बैक टू बैक लाइव सेशन ले रहा हूँ। उस सेशन में अगर आप ज्वाइन करें तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ले चलूंगा कैसे आपका खुद का होम किचन चालू कर सके। वो जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है वीडियो के, आप क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। वो पेड वर्कशॉप है, दिस इज नॉट अ फ्री वर्कशॉप, वो पेड वर्कशॉप है, क्योंकि वो 21 दिन बैक टू बैक वर्कशॉप है, जिसमें लाइव आके मैं एवरीडे आपको क्या क्या करना है वो सिखाऊंगा। अगर आपको रियली इंटरेस्ट है आपका खुद का होम किचन चालू करने के लिए, फील फ्री, ज्वाइन द वर्कशॉप, क्लिक द लिंक,
और हम मिलेंगे एक 1st of December एंड हम आपके साथ आपका खुद का होम किचन वर्क करने के लिए चालू करेंगे. थैंक यू सो मच. मेरा नाम गोपाल कामत है वंस अगेन. एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को बताइए कि अगर उनको इंटरेस्ट है फूड बिजनेस चालू करने में तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो आप वो भी शेयर कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.